नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। दिस इज अजय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वाटर। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि अपने हौसलों को एक खबर करते रहो, कि अपने हौसलों को एक खबर करते रहो। जिंदगी मंजिल नहीं सफ़र है, जिंदगी मंजिल नहीं सफ़र है, चलते रहो, बस चलते रहो। और चलते चलते आप एक दिन मंजिल तक पहुँच जाएंगे। एक एक बे में चलते रहिए और अपने एम को अपने हाथ में रखे रहिए, जिसके कारण आप अपने एम को देखते देखते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर आखिर आता कहाँ से है। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस के बारे में जानना होगा, जिसे प्रोसेस को बोलते हैं हम वाटर साइकिल। आपने सुना ही होगा कि जब सन की रेस वाटर पर पड़ती हैं तो वो वेपराइज होता है और एवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो आसमान की तरफ उड़ने लगता है। जब वो आसमान की तरफ उड़ने लगता है तो एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। वहाँ टेम्परेचर जब कम होता है तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वो कंडेंस होने लगता है, वो जमने लगता है। और जब कंडेंस होने लगता है तो जो वेपर था वो एक दूसरे के पास आने लगता है और वो मेक करता है ड्रॉपलेट। किसकी ड्रॉपलेट? वाटर की ड्रॉपलेट उसको मेकिंग करता है। और जब वाटर की ड्रॉपलेट इतनी भारी हो जाती हैं बादलों में कि वो वहाँ रुकने की के लिए असमर्थ रहती हैं, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो नीचे गिरने लगती हैं। किसके फॉर्म में? रेन के फॉर्म में। इसे प्रिसिपिटेशन भी कहते हैं। बट दिक्कत ये है दोस्तों, प्रिसिपिटेशन तीन टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी रेन, एक होती है हेल स्ट्रॉम, एक होती है अपनी स्नो। तो क्या होता है जब रेन के फॉर्म में गिरती है तो उसको रेन बोलते हैं। या फिर जब आपको देखा होगा कि गोल गोल बर्फ के आइस के पत्थर टाइप देखने मिलते हैं, उनको हेल स्ट्रॉम बोलते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने मिलती होगी जो बर्फ के फॉर्म में गिरती है, उसको दोस्तों हम स्नो बोलते हैं। तो प्रोसेस सिंपल सी है। सबसे पहले एवापोरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद ड्रॉपलेट बनेंगे, और ड्रॉपलेट बनने के बाद दोस्तों प्रिसिपिटेशन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब पानी नीचे आ जाता है तो क्या होता है? रन ऑफ होता है, मतलब कि बहने लगता है। कुछ वाटर अर्थ के अंदर अट्रैक्ट हो जाता है, अर्थ सोख लेती है, ग्राउंड वाटर सोख लेता है, बाकी वाटर फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो एवापोरेशन की प्रोसेस हुई थी, एवापोरेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेशन बिटवीन ओशियन एंड एटमोस्फियर लैंड इज नोन एज वाटर। ओशियन से एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से लैंड, और लैंड से फिर से ओशियन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारी वाटर साइकिल। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है फ्रेश वाटर की सबसे ज़्यादा सोर्स रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर हैं। फ्रेश वाटर जो रिवर का है वो तो अब ज़्यादातर पॉलिश्ड होते जा रहा है, बट अभी भी कुछ रिवर ऐसी हैं जहाँ का पानी पीने लायक है। उसके अलावा पॉन्ड्स रहते हैं, उसके अलावा आपको ग्लेशियर देखने मिलते हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो रिवर के फॉर्म में भी आते हैं, और ग्लेशियर से बनी झील भी होती हैं जहाँ पर आपको वाटर देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पाया जाता है, किस। और इस छोटे से आपको एक पहले डायग्राम दिखा देते हैं कि मेन मेन सी कौन से हैं, हमारे समुद्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर ओशन की बात करें तो ओशन हमारे यहाँ 5 हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, यहाँ आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा, ये हमारा एस शेप में होता है, एस शेप में है। उसके अलावा आपको अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर सदर्न ओशन दिख रहा होगा, और हमारे इंडिया के नीचे हमें इंडियन ओशन दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको इस साइड फिर से पेशवे क्वेश्चन, और नॉर्थ में सबसे ऊपर आपको आर्टिक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रही हमारी चौकोर, इस तरफ आपको पेशवे क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर हमें आर्टिक क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अलावा हमें इंडियन ओशन दिख रहा है, यहाँ सदर्न ओशन दिख रहा है, और यहाँ पर हमें अटलांटिक क्वेश्चन दिख रहा है, जिसके टू पार्ट हैं। एक नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन दिखता है और एक हमें साउथ अटलांटिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कुछ मैन मैन सी देखने के लिए मिलते हैं, लाइक अरेबियन सी जो हमारे इंडिया के वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल जो हमारे इंडिया के ईस्ट में है, यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी दिख रहा होगा। उसके अलावा आपको यहाँ ब्लैक सी दिख रहा होगा, यहाँ कैस्पियन सी दिख रहा होगा, और आपको ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपको यहाँ पर एक कोरल सी देखने के लिए मिल रहा होगा। ये कुछ इंपोर्टेंट सी आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं।
उसके अलावा कुछ रिवर्स देखने मिलती हैं मेन मेन, जैसे कि यहाँ आपको नील रिवर, नाइल रिवर देखने मिल रही होगी। इसके अलावा आपको यहाँ कॉन्गो रिवर देखने मिल रही होगी। यहाँ पर आपको नाइजर रिवर देखने मिल रही होगी। ये इंपॉर्टेंट रिवर किसकी हैं? यहाँ पर आपको एक ऑरेंज रिवर देखने के लिए मिल रही होगी। एक इसकी और इंपॉर्टेंट रिवर है, ये हमारे अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर हम इंडिया की रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर आपको यहाँ इंडिया में देखने के लिए मिलनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक डार्लिंग रिवर दिख रही होगी और यहाँ पर आपको ब्राज़ील में अमेजन रिवर देखने मिल रही होगी, जो सबसे चौड़ाई में सबसे बड़ी रिवर है और नाइल लंबाई में सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ लेक दिख रही होंगी, जो ग्रेट बियर लेक या फिर ग्रेट स्लेव लेक या फिर ग्रेट बिंग पैग लेक, यहाँ पर आपको सुप्रियर लेक दिख रही होगी, यहाँ पर आपको हुरनोन लेक लग रहा है, यहाँ पर आपको मिसिसिपी रिवर लेक देखने, यहाँ मिसिसिपी रिवर है, सॉरी ये क्या है, हमारी मिसिसिपी रिवर है। ये सब लेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक आपने सी का नाम जरूर सुना होगा, मेडिटेरियन सी। आगे हम इस चैप्टर के बाद जो मैंने वेजिटेशन वाला चैप्टर डाला है उसमें मेडिटेरियन वेजिटेशन का नाम भी आता है, तो यहीं पर वो आपको देखने मिलती है। ये रहा हमारा मेडिटेरियन सी, जो अफ्रीका के नॉर्थ में है, यूरोप के साउथ में है और एशिया के वेस्ट में देखने के लिए मिलता है। कौन सा सी दोस्तों? मेडिटेरियन सी। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है कि जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस साइड से हुआ हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर वाटर हमारे ओशन में देखने मिलता है, जो पीने लायक नहीं है, जो योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि वो सलाइन है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ है। NaCl सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा? NaCl। ठीक है, मतलब अब देखिए, आपको पता है सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि सॉल्ट इन ग्राम, जो ग्राम में सॉल्ट है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मिला हुआ है, उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। आपने डेड सी के बारे में नाम में सुना होगा, यहाँ पर क्या होता है, इजराइल में है जो डेड सी, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कि वहाँ पर इंसान तैरता हुआ नजर आता है पानी के ऊपर। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है जिसके कारण एक इंसान उस पर तैर सकता है बिना तैरे हुए, मतलब कि वहाँ पर बिना तैरे हुए वो फ्लोट कर सकता है। इस तरीके से कोई स्पंज फ्लोट करता है वाटर पर, उसी तरह से इंसान भी फ्लोट कर सकता है उस वाटर पर, क्योंकि वहां की सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम पर लीटर, इतनी ज्यादा सैलिनिटी है जिसके कारण दोस्तों वहां पर कोई भी इंसान फ्लोट करते हुए नजर आता है। अब देखिए दोस्तों, आप इस टेबल को आसान नहीं, मतलब कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, बट इससे दोस्तों प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतनी सी टेबल से दो दो क्वेश्चन बने हैं। कैसे क्वेश्चन बने हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। अब आपके लिए यहाँ पढ़ना है, ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ वाटर किस में है, आइस कैप में है और ग्लेशियर में है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइस कैप, ये रहा आइस कैप, इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, 2%। आइस कैप एंड ग्लेशियर में कितना है, 2%। इतनी बात तो आपने समझ गई। अब उन्होंने बोला है कि जो आइस कैप में है, आउट ऑफ रिमेनिंग फ्रेश वाटर, मतलब आइस कैप और ग्लेशियर से छोड़कर द लार्जेस्ट पोर्शन किस में है, लार्जेस्ट पोर्शन किस में है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इज फाउंड इन एटमोसफियर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड, क्या वो है एटमोसफियर में पाया जाता है, इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक एंड रिवर, क्या वो लेक और रिवर में पाया जाता है, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, क्या वो ग्राउंड वाटर में है या एग्जिस्ट एज सॉयल मॉइस्चर या फिर वो सॉयल मॉइस्चर में है। ठीक है, तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि जो फ्रेश वाटर लेक हैं वो 0.09% है और अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो 0.68 है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, रिवर, रिवर तो भाई 0.000% है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिल रहा है हमें, ग्राउंड वाटर में देखने के लिए मिल रहा है फ्रेश वाटर। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपको देखिए होंगे, इट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक एंड रिवर। अब फ्रेश वाटर लेक और रिवर यहाँ पर बहुत कम है देखने के लिए मिलता है। फ्रेश वाटर लेक में देखिए, ये फ्रेश वाटर लेक है 0.0% और रिवर में 0.0%, तो इतना तो कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिल रहा है हमारे लिए, फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर में देखने मिल रहा है। तो इसका आंसर सीधा सिंपल क्या बन जाएगा, फ्रेश वाटर इन एग्जिस्ट एंड ग्राउंड वाटर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है इसी टेबल के ऊपर। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑन द प्लानट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड।
यहाँ क्या कहा गया है कि सिर्फ 1% से भी कम हमारे लिए यूजफुल वाटर है, उसके अलावा ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लानट अर्थ 95% इज बाउंड अप इन अ पोलर आइस एंड कैप एंड ग्लेशियर, जिसमें से 95 किसमें हैं, हमारा बाउंड है पोलर आइस एंड कैप्स में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस टेबल को देखकर अभी जाकर कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर लिखिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर देखने के लिए मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतना समझ में आ ही गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, आइस कैप में 2% है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है, क्या सिर्फ एक पॉइंट सही है, क्या इसका दो पॉइंट सही है, कि दोनों पॉइंट सही हैं, कि कोई भी पॉइंट सही नहीं है, ये आपको कमेंट में लिख के देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। अगर हम बात करते हैं अब आगे, तो देखिए वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, जिसके कारण कुछ रिवर्स डाइंग के फॉर्म मरने के कगार पर हैं लाइक, और इसमें से हमारी गंगा है उनको भी इंक्लूड किया गया है। गंगा अमाउंग 10 डाइंग रिवर, उसके अलावा जो भी वाटर है वो डेंजर बन गया है इंसानों के उपयोग के लिए। बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रियों से जो मटेरियल आता है उसी में डंप किया जाता है, उसके अलावा जो हॉस्पिटल से मटेरियल आता है उसी में डंप किया जाता है, प्लास्टिक कचरा सब कुछ रिवर में डंप करने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कानपुर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण गंगा रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है कि हद से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, कि वहाँ के पीने लायक पानी को भी नाश कर देती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखने के लिए मिल रहा है आपके लिए वाटर सर्कुलेशन, मतलब कि ओशन सर्कुलेशन। ओशन में वाटर सर्कुलेट होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, एक सबसे पहले हमें देखने मिलता है टाइड, उसके अलावा हमें क्या देखने मिलता है, उसके अलावा हमें देखने मिलता है ओशियन करंट। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा हमें देखने मिलती है वेव्स, क्या देखने मिलती हैं, वेव्स। चलिए डिटेल में समझते हैं ये चीज़ें, तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अगर सबसे पहले वेव की बात करें, तो एक वेव चलती ही रहती है, कभी आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी, ऐसा इसका काम चलता रहता है। एक जगह पर बहुत पीछे चली जाएगी, फिर एक जगह पर फिर आगे आ जाएगी। तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ें, तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव। अल्टरनेटली राइस हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर राइस हुआ, फिर फॉल हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं हम वेव्स। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ओशियन है, यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर या वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो यहाँ पर एक होल बन गया, जिसके कारण ये वाटर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, और ये वाटर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया दोस्तों, तो जो यहाँ का वाटर है वो इस जगह को भरने के लिए बहुत स्पीड से साइड आएगा, और जब स्पीड से आएगा तो एक इसका रूप ले लेगा, एक दोस्तों सुनामी का रूप ले लेगा, और इसकी वेव बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाएगी। कितनी मीटर तक हो सकती है, 150 मीटर तक की हो सकती है। आज तक के रिकॉर्ड में सबसे हाई वेव कितनी देखी गई है, 150 का, और इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इसकी स्पीड दोस्तों 700 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई चाहिए। ये कब हुआ था, 2004 में आई थी, जिसके कारण हमारा जो सदर्न पॉइंट था इंदिरा पॉइंट वो क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था इस सुनामी के बाद, जो कहाँ है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस सुनामी का टॉपिक हम अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था साइक्लोन का टॉपिक अलग से बनाएंगे, उसी तरीके से हम सुनामी का वीडियो भी अलग से लाएंगे। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, टाइड की बात करते हैं। ठीक है, टाइड से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शोन इन द डायग्राम विल द हाइट ऑफ ओशियन टाइड बी मैक्सिमम, M1, M2, M3, M4। यहाँ पर M1 है, यहाँ M पर M1, M2, M3, M4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना होगा। अब आपको देखिए, मैं अभी जो टॉपिक समझाऊंगा उसके बाद आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं टाइड की। टाइड क्या है दोस्तों, एक टाइड ऐसा होता है, जैसे कि ये हमारा ओशन है, तो एक टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइड आएगा और एक टाइम पे सबसे पीछे चला जाएगा, इसको हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो राइजिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द सोर, जब मच सोर को बहुत ज़्यादा सोर लाइन को कवर करता है उसको हाईएस्ट टाइड बोलते हैं, और जब लो टाइड होता है तो बहुत लोवेस्ट लेवल तक चला जाता है।
ठीक है। इसके टू टाइप होते हैं, देखिए एक होता है हमारा नेपटाइड और एक होता है हमारा स्प्रिंग टाइड। आपको इस डायग्राम में, क्वेश्चन वाले डायग्राम में यही चीज़ दिख रही होगी, एक बन रहा है ऐसे में क्वार्टर में, ये मून है हमारी, ये सन है और ये अर्थ है। ये क्यों बनते हैं? इन्हीं के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ एम वन पर क्वार्टर है और यहाँ पर फुल मून है, यहाँ पर नो मून है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। देखिए द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स केस हाई टाइड। अब क्या होता है, जब एक ही लाइन में तीनों चीज़ें होती हैं तो यहाँ बनता है हमारा हाई टाइड, और जब एक क्वार्टर में मून होती है, दोनों क्वार्टर में, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो यहाँ बनता है हमारा लो टाइड। क्या बनता है दोस्तों? लो टाइड। अब देखिए ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून हो या फिर हो न्यू मून डे, द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर हाइएस्ट। तो टाइड कैसा बनता है दोस्तों? हाइएस्ट बनता है। दीज टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। इन टाइड को क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग टाइड। बट When the moon is in the first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tide. जब इस टाइप का होता है तो लो टाइड बनता है, और इस टाइप का होता है तो हाई टाइड देखने के लिए मिलता है। इनको स्प्रिंग टाइड और कौन सा टाइड बोलते हैं? नीप टाइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था दोस्तों कि ये बताइए कि किस पोजीशन पर मैक्सिमम टाइड बनेंगे। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है M1 और M2 पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन टाइड बनने के लिए देखने मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों लाइन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा M2 और M4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ 7th क्लास की NCERT पढ़ रहे हैं। NCERT इसलिए इंपॉर्टेंट कही जाती हैं क्योंकि इसके प्री के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमें NCERT से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। मैंने अभी अभी 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा चलिए दोस्तों अब आते हैं, बात करते हैं ओशन करंट। ओशन करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि ओशन करंट आखिर होते क्या हैं। ओशन करंट होते हैं जो स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंसिस्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। कैसे डेफिनेट डायरेक्शन? देखिए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ करंट, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेबराडोर करंट, यहाँ पर आपको दिख रही होगी गल्फ स्ट्रीम। तो इसका एक कारण रहता है, जो नदर हेमिस्फीयर से नीचे साइड आते हैं वो कोल्ड करंट रहते हैं, और जो इक्वेटर से ऊपर साइड जाते हैं या इक्वेटर से चलते हैं वो कौन से करंट रहते हैं? वो वार्म करंट रहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम कौन सा करंट हो जाएगा? हमारा वार्म करंट हो जाएगा। और लेबराडोर कौन सा करंट हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कोल्ड करंट। यहाँ पर अलास्का दिख रहा होगा, अलास्का करंट। ये देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट दिख रहा होगा, जो ऊपर से आ रहे हैं उनको कोल्ड करंट बोलते हैं, और जो इक्वेटर से जा रहे हैं उनको हम वार्म करंट बोलते हैं। तो एक करंट क्या होते हैं? एक पार्टिकुलर पोजिशन में चलने वाली वेव्स या चलने वाला ओशियन सर्कुलेशन, उसको हम बोलते हैं करंट। द लेबराडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम इज आ वार्म करंट। ठीक है, द एरिया वेयर, अब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर ये दोनों करंट मिलते हैं, कौन कौन से करंट? एक लो कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर फिशिंग एरिया के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन जाती है। ऐसे एरिया दिख रही है आपको, यहाँ पर एक गल्फ स्ट्रीम जाएगी, वहाँ से लोरेडम करंट आएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी वो बन जाएगी किसके लिए? फिशिंग करने के लिए। वेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एस एग्जाम्पल। जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर भी ये देखने मिलते हैं, और जापान में भी हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ द एरिया वेयर द वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। यहाँ पर कौन सा वेदर देखने मिलता है हमें? फॉगी वेदर देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर नेविगेशन, नाव चलाने के लिए भी कठिनाइयाँ जाती हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आगे ही ऐसी वीडियो आती रहेंगी जिसका कोर्स 6 से 12 तक की हम पूरा NCERT का सिलेबस कवर करने वाले हैं।